YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बालूमाथ थाना क्षेत्र के कुंडी कोलियरी में हुई दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक उपचालक की मौत दबकर हो गई, जिसकी वजह से ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और आनन फानन में ग्रामीणों ने 10 लाख रुपए मुआवजा राशि व आश्रितों को नौकरी देने की मांग पर बालूमाथ टंडवा मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। तब सूचना पाकर बालूमाथ CI रवि कुमार व ASI धर्मेश प्रसाद लिंबू जाम स्थल पर पहुंचे और 20,000 रुपए पारिवारिक लाभ देने संबंधी आश्वासन देकर सड़क को जाम मुक्त कराया। मौके पर ही मगध कुलियरी की पदाधिकारियों के साथ ग्रामीणों की मांगों से संबंधित सार्थक वार्ता हुई, जहां दूरभाष के माध्यम से मगध व आम्रपाली परियोजना के GM BRB सिंह ने 5 लाख रुपए मुआवजा राशि आश्रितों को आगामी एक सप्ताह के भीतर देने का वायदा किया। वहीं घटना के संबंध में बताया जाता है कि नगड़ा निवासी उपचालक उपेंद्र साव ट्रक के शीशे की सफाई कर रहा था, तभी आगे खड़ी ट्रक पीछे की ओर लुढ़क गई, जिसमें दबकर उसकी तत्काल मौत हो गई। वहीं स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अंत परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। CCL अफसर सिर्फ पैसा कमाने का काम कर रहा है, किसी तरह व्यवस्था नहीं दे रहा है। और कुंडी कुलियरी में घटना हुआ, जो कि अभी तक हम वहां के मैनेजर से बात किए किसी तरह नंबर लेकर के, तो अभी तक वो मैनेजर और PO को भी जानकारी नहीं है कि यहां पर इस तरह की घटना भी हुआ है। और जो हमने हमारा घटना हुआ उसमें हम लोग यहां पर जाम रखे हुए हैं, प्रशासन आए कैदे से हमारा जो उचित मुआवजा वो दिलावे और जो प्रबंधन है वहाँ सुधार करो, प्रबंधन भी यहाँ आए, सुन ना, प्रबंधन के भी लोग यहाँ आवे, इसके बाद जो भी वार्ता होगा शांतिपूर्वक वार्ता करके जो उचित मुआवजा हम लोग को दिया जाएगा। गाड़ी वाला की तरफ से अगर उसका गाड़ी का अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो गाड़ी वाला जो हुआ है वो उसका ऑनर भी आवे और दे, सुन ना, और इधर जो CCL प्रबंधन द्वारा देना, जो प्रशासन द्वारा जो देना है जो उचित है वह सो दे, मैंने हम लोग जाम हटा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराम प्रसाद।